हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत तगड़ी चल रही होगी आपकी। दोस्तों, जो हमने ये जीएस पॉइंटर की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, इसमें इकोनॉमिक्स अभी मैं कवर करा रहा हूँ, जिसके ऑलरेडी दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो बहुत सारा कॉन्टेंट इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। जीएस पॉइंटर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो एक सिलसिलवार तरीके से सजाया हुआ कंटेंट, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस पर्टिकुलर सीरीज़ पॉइंटर वाली, जिसमें मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करा रखा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी में कवर करा रहा हूँ, और साइंस मेरे पास एक्चुअली अभी इसकी बुक नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, देख ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा मैं साइंस भी कवर करा दूँगा। तो देख सकते हैं हमने इसमें बहुत सारा कॉन्टेंट कवर कर लिया है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है 23 पेज तक। आगे का जो टॉपिक होगा वो टर्सरी सेक्टर होगा एंड बियॉन्ड, उसके आगे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सीधा अपने टारगेट पेज पे चलते हैं, 23rd पे है हमारा टारगेट, टर्सरी सेक्टर। दोस्तों बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप भूल जाते हैं कई बार, डू इट राइट नाउ। एंड ये दो महीने में अच्छा होता है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि आपको तो जब आप ऐसा करते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलता ही है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो ज़रूर करें। टर्सरी सेक्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, टर्सरी सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंटर देखते हैं इसका। पहला पॉइंटर कहता है कि इन इंडिया टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स व्हाट। देखिए, टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाली सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इकोनॉमी मेनली जो होता है तीन भागों में बटा होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर मेजर मतलब जो होते हैं, वैसे तो चौथा सेक्टर भी आजकल आ चुका है, पाँचवा भी आ चुका है, बट उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, मेजर जो होते हैं सेक्टर्स उसकी बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। वही अगर बात करें हम सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, वो जो है इंडस्ट्री प्रोडक्शन वगैरह से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। और वही आखिरी सेक्टर की बात करें टर्सरी सेक्टर की, तो इसमें सर्विसेज होते हैं। तो ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दीज आर सर्विसेज, ठीक है। अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो यू डू नॉट गेट फिजिकली समथिंग, यू गेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट भी जो है टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स व्हाट, सर्विस सेक्टर जब मैं बोलता हूँ तो मैं टर्सरी सेक्टर को ही बोल रहा हूँ। तो सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, होटल्स, इन सब चीज़ों में आप फिजिकली कोई गुड्स नहीं पाते हो बट आप सर्विस लेते हो, जैसे होटल में जाकर रहते हो तो आप सर्विस ले रहे हो, तो सर्विस सेक्टर में होटल आता है, ट्रांसपोर्ट, आप किसी भी वाहन को, कोई भी प्राइवेट वाहन को यूज करते हो कहीं जाने आने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका होता है, आपके गुड्स का होता है, आपने बिजनेस करा हुआ है तो कोई सामान भेजना है, ये सब ट्रांसपोर्ट में आता है। कम्युनिकेशन भी एक जो है आपका सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। अमंग द फॉरेस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग एंड मार्केटिंग, इट इज़ टर्सरी एक्टिविटी। तो देखिए, फॉरेस्ट्री तो प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हो कि प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स का, ठीक है, फिजिकल गुड्स बनते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। वही टर्सरी सेक्टर में मार्केटिंग आता है, जहाँ पर आप मार्केटिंग करके सर्विस करते हो, ठीक है, तो मार्केटिंग जो है टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। अगला पॉइंटर देखिएगा, अगला पॉइंटर कहता है कि दीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी सेक्टर है, फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि एलाइड एक्टिविटी में आ जाता है एग्रीकल्चर के ये। माइनिंग एंड क्वेरिंग, देखिए ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है,
माइनिंग जब आप करते हो, क्वेरिंग करते हो, कोई भी मिनरल मिनरल निकालने की कोशिश करते हो, तो उसमें प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश कर रहे हो, निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट करते हो, वहाँ पर जो होगा आपका ये प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स कम अंडर द टर्सरी एक्टिविटीज़। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, पहला ही सवाल ये था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब सर्विस है, कॉमर्स भी सर्विस है, तो ये टर्सरी एक्टिविटी का पार्ट होता है जो कि सर्विस सेक्टर में आता है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। देखिए, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन से सेक्टर का होता है, वो टर्सरी सेक्टर का होता है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर का होता है। आप देख सकते हैं कि एज पर डेटा 2022-23 का जो एडवांस एस्टिमेट आया है फर्स्ट वाला, उसके हिसाब से जो जीवी है इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये 53.4% है टोटल 100% में से। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी या जीवीए में कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का होता है। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया कि 53.4% है टर्सरी सेक्टर का जीवीए में कंट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका कंट्रीब्यूशन जो है 53.4% है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जीवीए क्या होता है। सर, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि देखिए, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आटे से जो है ब्रेड बनाया, तो आपने आटे में वैल्यू ऐड किया और ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड आटे से महंगा बिकेगा। ठीक है, अब ब्रेड से आपने सैंडविच बना दिया तो फिर से वैल्यू एडिशन किया, तो ऐसे करके वैल्यू एडिशन जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है 53.4%। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए आपको उसकी एक्टिविटीज़ को देखनी है और बताना है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स टू द जीवीए जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी में जो है करेंट बेसिस प्राइसेस पे किसका डिक्रीजिंग, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है, ऐसे करके आपको बताना है। तो पहला है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये तो देखिए टॉप पे तो आ नहीं सकता क्योंकि वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीवीए में जीडीपी में बहुत कम है इसका। खैर, दूसरे नंबर पे दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑफकोर्स इसका रहता है बट इतना भी ज़्यादा नहीं रहता, इसका भी कम ही है। फिर आता है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर आता है फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज का होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, देख सकते ये ऑर्डर है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग यानी कि प्राइमरी सेक्टर। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में। तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर है आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के मामले में, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के भी हिसाब से देखें तो जीवीए में कंट्रीब्यूशन इसका 53.4% रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग वगैरह ये सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे नहीं है, 18.1% है। फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज 21.4% सबसे टॉप पे। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 13.9%। इंडस्ट्री में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का जो है 14.7% रहा है, ओवरऑल 28.3% रहा है, ओवरऑल पूछे तो ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर से, बट अगर उसमें भी देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वो 14.7% है। ठीक है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर का आता है उसका कंट्रीब्यूशन जीबीए में 18.3% है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन हमें यहाँ पे दिया था मैन्युफैक्चरिंग अलग से, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है 14.7%, इसीलिए ये जो है लास्ट में आया। ठीक है, लास्ट में आया यहाँ पे। अगला सवाल कहता है कि ड्यूरिंग 2022-2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, दिस सर्विस सेक्टर रजिस्टर्ड फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंडिया। ड्यूरिंग 2022-2023 की बात करें तो दिस सर्विस सेक्टर रजिस्टर्ड फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंडिया, ये सर्विस सेक्टर है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग।
इन सभी सर्विस सेक्टरों ने जो है रजिस्टर किया है फास्टेस्ट ग्रोथ है भारत में, वो चाहे ट्रेड हो जाए, वो चाहे होटल हो जाए, वो चाहे ट्रांसपोर्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है भारत में। आप देख भी सकते हैं ये जो ट्रेड होटल्स वाला ये जो कॉलम है 18.1% का कंट्रीब्यूशन है और ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो भी ये लेवल से उछला है वो सबसे ज़्यादा उछला है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि अमंग द सर्विसेज सेक्टर विच हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द GVA इन 2022-2023। भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का, हमने देखा था 21.4% के आसपास रहा था। जी हाँ बिल्कुल सही है, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा था आपके सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर के ये 53.4% में 21.4% इसका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए ये टॉप पे है। अगला सवाल देख लेंगे, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ GDP इन इंडिया कम्स फ्रॉम वेयर। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है 53.4% GDP के GVA में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा इसी का है। सेकेंड नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जिसे कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो ये ईयर ऑन ईयर जो है आप देख सकते हैं कि 2020-21 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 20.3% था, अगले साल ये घट गया फिर और घटा, तो मतलब कंट्रीब्यूशन इसका घट रहा है। इंडस्ट्री का जो है बढ़ रहा है कंट्रीब्यूशन, या फिर स्टेबल कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था 2020-21 में वो था 27.3%, 2021-22 में ये बढ़ा थोड़ा सा 28.5% हुआ, 2022-23 में ये स्टेबल रहा, मतलब 28.3% लगभग बराबर ही थोड़ा सा कम। सर्विस सेक्टर जो है इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 52.4% था 2020-21 में, 21-22 में ये 52.5% रहा और 22-23 में ये रहा 53.4%। तो सर्विस सेक्टर का जो है ग्रोथ हो रहा है ज़्यादा, ये डोमिनेंट कर रहा है हमारे इकोनॉमी को। अगला सवाल देखते हैं, दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द GDP। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का 53.4%, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का 28% के आसपास, फिर 18% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो ये कुछ ऑर्डर है, सर्विसेज सबसे ज़्यादा, इंडस्ट्री उसके बाद, फिर एग्रीकल्चर। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द GDP ऑफ इंडिया, टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, हमने देखा था कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया था 53.4%। अगला सवाल देखिए, दिस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द GDP, वो है सर्विस सेक्टर। द शेयर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया GDP एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2012 एंड 2013 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो GDP में जो शेयर था वो था 57% 2012-13 में, और एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन था 28%, मतलब कि भारत की आबादी का 100% का 28% लोग जो है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे 2012-13 में, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, बट 28% लोग ही थे बट उन्होंने कंट्रीब्यूट कितना किया GDP में 57%। तो देख सकते हैं कि कम लोग डिपेंडेंट हैं सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो अभी भी यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे तो और बेनिफिट ही होगा हमें। इन दीज स्टेट्स और UT द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन GSDP हैज़ बीन लार्जेस्ट इन 2019-2020। तो देखिए चंडीगढ़ जो है एक सर्विस बेस्ड आप कह सकते हैं सिटी है, इकोनॉमी है यहाँ की सर्विस बेस्ड, 74% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूटी की बात करें चंडीगढ़ की। दिल्ली में भी सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ भी जो है 68.22% जो है यहाँ की GDP में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है 68.22%। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल कहता है कि दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट सही है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, देख लेते हैं। द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया GDP इज अबाउ 50%, बिल्कुल सही है 53.4% है, अबाउट 55% एज पर सेंसस 2011 की बात करें ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, ये भी सही है
ठीक है, 2011 सेंसस की बात करें तो उसके हिसाब से जो डेटा निकल के आया था उसमें आया था ये कि भारत की आबादी का 55% लोग अभी भी जो है लिविंग के लिए अपने, मतलब कि जिसे कहते हैं ना जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, सबसिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग करते हैं, और 55% आबादी जो है अपने लिविंग के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे। इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया। भारत में जो है जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का वो वर्ल्ड के टोटल 100% का मात्र 2.4% है, और आबादी 17 से 18% के आसपास है भारत की टोटल वर्ल्ड की। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड की आबादी का 17 पॉइंट कुछ% जो है भारत में रहता है, और एरिया कितना है मात्र भारत के पास 2.4%। 17% एरिया भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता ना, खैर नहीं है इतना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द रैंक ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ सर्विसेज सेक्टर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2001 to 2012, मतलब लगभग 10 से 11 साल के बीच में जो रैंक रहा ग्रोथ रेट ऑफ सर्विसेज वो सेकेंड टॉप पे था। अगला सवाल देखते हैं, सिंस 1980 द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन टोटल GDP ऑफ इंडिया हैज़ शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। 1980 से देखा गया है कि टर्सरी सेक्टर का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम एग्रेरियन या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी से, इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा कभी ग्रो हुई नहीं, तो खैर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी से हम लोग सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 50% पॉपुलेशन जो है भारत का वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे फॉर देयर सब्सिस्टेंस या फिर कह सकते हैं कि लिविंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया बिटवीन 2001 to 2005 ग्रोथ रेट ऑफ दिस सेक्टर हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ये है सर्विस सेक्टर। अगेन आंसर विल बी सेम, सर्विस सेक्टर। एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन GDP इंक्रीजेज। जैसे जैसे किसी भी देश की, ये देखिए ये वर्ल्ड वाइड है, एक्सेप्टेड है कि जैसे जैसे कोई देश की तरक्की होती है, इकोनॉमी वहाँ की डेवलप करती है, तो वहाँ से एग्रीकल्चरल सोसाइटी से पहले वो शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी हो जाती है वहाँ पे, प्रोडक्शन खूब होता है, फिर वो बढ़ते हैं टर्सरी सेक्टर की तरफ यानी कि सर्विस सेक्टर की तरफ, इस तरीके से ग्रोथ होता है। लेकिन भारत में यूनिकनेस ये रहा कि भारत ने जंप मारा सीधा। भारत में जो है प्राइमरी सेक्टर पे पहले हम बेस्ड थे, अभी भी हमारा पॉपुलेशन बहुत सारा डिपेंडेंट है इस पे। हमने इंडस्ट्री को बाईपास करके सीधा जंप मार दिया टर्सरी सेक्टर पे। इंडस्ट्री हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाई, ये सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, नहीं तो ये भी इसका भी कंट्रीब्यूशन कम से कम 40% होना चाहिए था इकोनॉमी में, लेकिन नहीं हुआ। सो ड्यूरिंग 2011-12 to 2015-16 द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज, सवाल फिर से सुनिएगा, ड्यूरिंग 2011-12 to 2015-16 The contribution of services sector in growth rate of Indian economy was about 69%, more than 60% 2018-19 में था, and around 55% था ये 29-20 में financial year में। अगला सवाल देख लेते हैं, According to economic survey 2023 वाला अबाउट सर्विसेज, दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही हैं, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है अबाउट सर्विसेज की, तो कौन से जो है स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फैशन ग्रॉसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाई 2027, ये बिल्कुल सही है। PMI सर्विसेज विटनेसेस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई एंड 2022 में, जुलाई 2022 से इसमें एक्सपेंशन देखा गया। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब इकोनॉमिक सर्विस 2023 का डेटा है। क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस जो है इज अबाउट 16% सिंस जुलाई 2022। ट्राई जिसे हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किससे रिलेटेड है, तो टेलीकॉम से रिलेटेड है। भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें रेगुलेटर कौन है, ट्राई है, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जो है रेगुलेटरी बॉडी है, एसोसिएटेड है टेलीकॉम सेक्टर से। टेलीकॉम सेक्टर किस में आएगा, सर्विस सेक्टर में। अब हम देखेंगे, देखिए हमारा टर्सरी सेक्टर कंप्लीट हुआ, अब हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी और रेवेन्यू से रिलेटेड सवाल, फिस्कल पॉलिसी और रेवेन्यू से रिलेटेड सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल कहता है कि अलोंग विद द बजट जिसको हम बजट जो होता है आर्टिकल
112 में आता है, ठीक है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन बजट टर्म जो है भारत में फेमस है। सो अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रखते हैं। इसके अलावा द एफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाई द एक्ट विच इज़ फिस्कल FRBM बोलते हैं इसको, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 में पास हुआ था। इसमें बोला गया कि जब बजट पेश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो उनको कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी देने होंगे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भारत में जो मैक्रो इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी है, यानी कि सेक्टर वाइज देखें इकोनॉमी तो कैसी है, उसका डेटा इनको देना पड़ेगा। ये जो है इनको देना पड़ता है एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो पास हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, द जेंडर बजटिंग वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया। ये सवाल बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाता है, आपको इसको रट लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेंडर बजटिंग जो है भारत में, जेंडर बजटिंग क्या होता है? जेंडर बजटिंग मतलब कि महिलाओं के लिए अलग से बजट, ठीक है, पुरुषों के लिए तो जनरल बजट आ जाएगा, महिलाओं के लिए अलग से बजट, ये जो है जेंडर बजटिंग में आता है। तो ये आया था पहली बार यूनियन बजट 2005-06 में, और कोई बुराई नहीं है, महिलाएं अगर पिछड़ रही हैं तो उनको एट पार लाने के लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमंग द PM गति शक्ति, ठीक है, PM गति शक्ति जो इनिशिएटिव है, एमंग द PM गति शक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट, दो बातें हो गई। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायरिटीज ऑफ इंडिया बजट 2022-2023। तो देखिए बजट 2022-23 का जो रखा गया था उसमें डिसइन्वेस्टमेंट को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। अगला सवाल देख लेंगे, एमंग द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड यूथ एंड रूरल पॉपुलेशन, दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन 10 मेन थीम्स ऑफ यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ये है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। देखिए 10 थीम बेस्ड ये बजट आया था 2017-18 का, और ये वही टाइम है 2017-18 में जिसमें रेल बजट को जो है इंक्लूड कर लिया गया था यूनियन बजट में, एक साथ कर लिया गया था। तो इसमें एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो 10 जो थीम बेसिस थे, 10 जो थीम थे उसमें नहीं था, ये इसका कोई उसमें रोल नहीं था। Among the transform India, clean India, educate India and energize India, it was not included in intended objectives of the union budget 2017-18। ये आंसर होगा इसका, educate India इसका पार्ट नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है कि जो यूनियन बजट 2023-24 अडॉप्ट करता है फॉलोइंग 7 प्रायोरिटीज, इसमें 7 प्रायोरिटीज रखी गई थी 23-24 वाले यूनियन बजट में, जिसे हम सप्तर्षि कहते हैं, ठीक है, सप्तर्षि कहते हैं, और ये अमृतकाल जो आज़ादी का अमृतकाल जो है उसके लिए लाया गया था। वो 7 जो प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज था, पहला उसमें नंबर 1 इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सभी के डेवलपमेंट का, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, समाज का कोई सा भी हो, पीछे वर्ग हो जो मतलब इकोनॉमिक इंक्लूजन में नहीं शामिल हो पाया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं शामिल हो पाया है, हमारी जो मुख्य धारा है उससे हट के है, उसके पास घर नहीं है, वो उसके पास रहने के लिए, वो अच्छे से रहने के लिए उस सुख मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके पास नहीं है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसमें जो है जो डाउनट्रोडन है, जो पिछड़े हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा दूसरी जो प्रायोरिटी है वो है रीचिंग द लास्ट माइल, इसमें क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। थर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको प्रोडक्शन में वो दिखता है, चाहे आप लॉजिस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लो, चाहे आप पोर्ट बना लो, जो भी कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल भारत का है जो कि टैप नहीं हो पाया है उसको टैप करना हमारा प्रायोरिटी रहा इसमें। चौथा, पांचवा प्रायोरिटी था ग्रीन ग्रोथ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। छठा प्रायोरिटी था यूथ पावर। सातवां था फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सप्तर्षि जो है प्रायोरिटीज रखा गया था यूनियन बजट 2023-24 में। अगला सवाल देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021-22 की बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड ए न्यू लेवी
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, दिस सेस विल बी लेवीड ऑन 29 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स पे लगाए जाएंगे? 29 प्रोडक्ट्स पे। फिर आता है एसर्शन और रीजन वाला सवाल। एसर्शन कहता है कि फिस्कल डिफिसिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP वाज हायर इन 2017-18। जो फिस्कल डिफिसिट रहा इंडियन गवर्नमेंट का परसेंटेज टर्म में GDP का, वो हायर था 2017-18 में एज कम्पेयर टू बजट एस्टिमेट्स। रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है कि ग्रोथ जो देखा गया इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, दिस वॉज रिलेटिवली लोअर ड्यूरिंग 2017-18। ज़्यादा नहीं हुआ इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन, ग्रोथ उसका नहीं हुआ ऑन द अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST। चूंकि GST आई थी, नई चीज़ आई थी, तो उस समय थोड़ा सा नई नया सिस्टम था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो दोनों बातें सही है कि एसर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। हम जानते हैं कि जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट हो गया था GST। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP, टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्टीडली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड, मतलब कि लास्ट 10 सालों में जो टैक्स का जो कलेक्शन है, वो रेवेन्यू जो आता है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दोनों बातें सही हैं, फिस्कल डिफिसिट भी हमारा नहीं बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन भी नहीं बढ़ा है, तो ठीक बात है। फिस्कल डिफिसिट वाला ठीक है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। नंबर वन है सीरियल गेंड, सीरियल ग्रेन्स हल्ड, ठीक है। पहला जो आइटम है उसमें सीरियल ग्रेन हल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। अब इनमें से बताना है कि अमंग द अबव आइटम्स कौन सा इसमें जो है GST में नहीं आता है, GST के परव्यू से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के परव्यू से बाहर है। तो देखिए इसमें सीरियल जो ग्रेन हल्ड होते हैं वो बाहर है, इसके अलावा चिकन एग कुक्ड ये भी बाहर है, इसके अलावा न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल भी GST के टैक्स सिस्टम से बाहर है, ये इसमें नहीं आता है, एग्जेम्प्टेड है। बाकी कौन सा नहीं एग्जेम्प्टेड है? फिश प्रोसेस्ड एंड केन्ड, ये जो है इसमें GST में इसको टैक्स भरना पड़ता है इस सेक्टर को। अगला सवाल देखते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज प्रपोज्ड बाय टास्क फोर्स हुज प्रेसिडेंट वाज विजय केलकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को प्रपोज किया गया था, एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिसके प्रेसिडेंट थे विजय केलकर साहब। जिसके प्रेसिडेंट थे कौन? विजय केलकर साहब, ये याद रखेंगे आप, विजय केलकर साहब इसके प्रेसिडेंट थे। द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? GST को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है इट रिप्लेस्ड मल्टीपल टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट बहुत सारी टैक्सेस थी उसको रिप्लेस किया इसने, एंड कलेक्टेड बाई मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट ए सिंगल मार्केट इन इंडिया। सिंगल मार्केट भारत में बनाएगा। GST इज दैट काइंड ऑफ टैक्स, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको एक करके कंपाइल करके एक ही बना दिया गया GST। अगला सवाल देखते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर GST, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 में पास हुआ था, और GST जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। कब से करी गई थी? 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग GST दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम, तो ये 101वां अमेंडमेंट एक्ट था। अगला सवाल कहता है कि GST दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये डेट जो है वो July 1, 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है भारत में इम्प्लीमेंट किया गया है July 1, 2017 से। द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉम July 2017 इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट वॉट, तो GST जब लागू हुआ है जुलाई 2017 से, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी देखी जाएगी इंडियन मार्केट्स में, सबके टैक्सेस लगभग बराबर हो जाएंगे, एक देश एक टैक्स, इम्प्रूव करेगा ये टैक्स कंप्लायंस को, और ऐसा देखा भी गया, इसके फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके फ़ायदे नहीं हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट GST काउंसिल के बारे में बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है GST काउंसिल के बारे में। सो GST काउंसिल जो है इट इज़ चेयर्ड बाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज अ मेंबर।
जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एट सेंटर इज अ मेंबर। द जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द टैक्स रेट एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड थ्रेशोल्ड अंडर द न्यू टैक्सेशन रिजाइन। अगला सवाल देखते हैं, अमंग द एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वैल्यू एडेड टैक्स एंड सर्विस टैक्स दिस टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें एक्साइज ड्यूटी है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, कस्टम ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सर्विस टैक्स है, कौन सा इसमें जो है ऐड नहीं किया गया है, तो कस्टम ड्यूटी जीएसटी का पार्ट नहीं है, कस्टम ड्यूटी जीएसटी का पार्ट नहीं है। एमंग द प्रॉपर्टी टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स एंड इनकम टैक्स दिस टैक्स इज एबोलिस्ड बाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये टैक्स है वैल्यू एडेड टैक्स। एमंग द प्रॉपर्टी टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स एंड इनकम टैक्स ये टैक्स को एबोलिश ही कर दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, ये है वैल्यू एडेड टैक्स। इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी में नहीं आता है। एमंग द अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड घी इट हैज़ बीन केप्ट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी में रखा गया है घी को, अल्कोहल को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, अल्कोहल जो है जीएसटी से बाहर रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जो है जीएसटी से के परव्यू से बाहर रखा गया, बट घी जो है उस पर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। द कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया इकोनॉमी इन इंडियन इकोनॉमी इन अक्टूबर 2020 के डाटा के हिसाब से मोर देन 100,000 करोड़ था और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेज किया गया था वर्ल्ड में। इनफैक्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार इस पॉइंट को रखा कि हमारा टैक्स कलेक्शन जो है 100,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है, ये मतलब इतना ज़्यादा कभी नहीं होता था। अगला सवाल कहता है कि द गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड द ऑल टाइम हाई जो जीएसटी रेवेन्यू है वो किस मंथ में कलेक्ट किया था। वो गवर्नमेंट ने किया था ऑल टाइम हाई मई 2023 में, टिल मई 2023 का जो था वो अप्रैल 2023 में किया गया था 187,035 करोड़। तो अब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ ही रहा है। द टर्म रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट। द टर्म रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वाज इन न्यूज रिसेंटली किससे रिलेटेड है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। द सक्षम प्रोजेक्ट जो है, सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट। सक्षम प्रोजेक्ट जो है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, इट इज़ रिलेटेड टू अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क, ए न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क से रिलेटेड है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2015-16 का है ये, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 दिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एज द चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह है मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विथ लिमिटेड एंट्री टू द मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। सोशलिज्म रखेंगे बट हम जो है अपने आप को सोशलिज्म के अलावा हम लिमिटेड एंट्री करेंगे मार्केटिज्म पे भी, ताकि हमारा ग्रोथ जो है इकोनॉमी का मार्केट बेस्ड हो जाए और जिससे ज़्यादा पैसा भारत में आए और सोशलिज्म भी चलता रहे। इन इंडिया इट फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फिजिकल पॉलिसी बनाती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करें मॉनिटरी पॉलिसी की, तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो RBI बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी जो होता है, दिस वॉज अनाउंस्ड बाई दिस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी जो है अनाउंस किया था VP Singh, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, क्या करेगी, कहाँ करेगी, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एमंग द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बैंकिंग डिवीजन एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक डिपार्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, बैंकिंग डिवीजन जो है वो RBI के अधीन आता है। एसर्शन और रीजन देख लेते हैं। एसर्शन कहता है कि इन रिसेंट टाइम्स द ग्रोथ इन द पब्लिक सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन वेरी स्लगिश इन इंडिया। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि जो ग्रोथ रहा है पब्लिक सेक्टर में वो बहुत स्लगिश रहा है, बहुत स्लो रहा है। रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन कहता है कि देयर हैज़ बिन रीअसेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट इन इंडियन इकोनॉमी
या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही है, देखिए स्लगिश इम्प्लॉयमेंट इसलिए रहा है पब्लिक सेक्टर में क्योंकि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो भाई प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो छटनी तो होगी, तो इम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट होगा वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में। तो दोनों बातें सही हैं कि एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी जो है भारत सरकार की, उसमें जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार का। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी जो बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो भाई, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ना हो जाए, बहुत सस्ती भी ना हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, कि भाई अमीर अमीर नहीं होने होता रहना चाहिए, तो टैक्स के थ्रू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। टैक्स जो है जो ज़्यादा कमाता है उसे ज़्यादा लो, जो कम कमाता है उसे कम लो, इस तरीके से जो है इनकम, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास किया जाता है, हालांकि संभव इतना नहीं है। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ, फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह से रिलेटेड है, जिसमें फिस्कल पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फिस्कल पॉलिसी लाती है तो बताती है बजट में कि भैया टैक्सेस कितने होंगे, कितने स्लैब पे कितना टैक्स लिया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा। एमंग द प्रोडक्शन पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इट इज़ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का पार्ट इन सभी में है टैक्स पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है टैक्स पॉलिसी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि दिस इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड फिस्कल पॉलिसी एज ए टूल टू रेक्टिफाई द ग्रेट डिप्रेशन इन 2019-2030। ये है जॉन मेनार्ड केन्स, जिनके आइडियाज़ को हम केनियंस आइडिया कहते हैं। इन्होंने बताया था कि कैसे जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ पूरे यूरोप में फैल गया था, तो इन्होंने बताया था कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। इन्होंने बताया था कि सरकार को जो है इंटरफेयर करना चाहिए, सरकार को खर्चा, फिस्कल स्टिमुलस लाना चाहिए, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई थी, जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने कहा था कि देखिए सरकार का रोल बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है, सरकार का रोल होना चाहिए, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकती है, थोड़ा सा सरकार का इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, द करेक्ट मैच लिस्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, बूम क्या होता है? ये सब बिजनेस साइकिल के पार्ट है। बिजनेस साइकिल में देख लीजिएगा तो बूम आता है जब इकोनॉमी जो है अपने हाई लेवल पे होती है, इनकम लोगों का इंक्रीज होता है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ता है मैक्रो लेवल पे। रिसेशन जब आता है, यानी कि मंदी जब आती है, तो ग्रेजुअल फॉल होता है इनकम में, लोगों का इनकम भी जो है कम होता है, प्रोडक्शन भी कम होता है, यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, ठीक है, वहाँ पे भी डिक्रीज देखा जाता है। बिजनेस एक्टिविटी लो गियर में काम करती है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर एक फेज आता है रिसेशन के बाद, आते आते डिप्रेशन, जहाँ पे बहुत सारा जो है अनप्रेसिडेंट लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पे जो है लोग जो है बहुत सारे बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोई बंदा ज़्यादा एक स्किल्ड है बट उसको अंडर एम्प्लॉयड कर दिया, कम स्किल वाले में उसको काम करा रहे हो कम सैलरी देने के लिए। इसके अलावा ड्रास्टिक फॉल होता है इनकम में, जो लोगों की इनकम होती है ड्रास्टिक फॉल हो जाती है, ठीक है, इनकम बहुत कम हो जाता है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। रिकवरी फेज में क्या होता है? स्टीडी राइज होता है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में, ठीक है, जो देखा गया था कि भाई दाम गिर रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इनकम भी धीरे धीरे लोगों का बढ़ता है, बिजनेसेस का बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ने लगता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो ये सभी जो है बिजनेस साइकिल के टर्म्स हैं, बिजनेस साइकिल के टर्म्स हैं। तो अगला पॉइंटर कहता है कि दिस स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो हमने देखा था कि कंडीशन क्या होती है, इनकम कम होने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग होने लगते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को इंक्रीज करना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि सरकार के द्वारा फंडेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट आएंगे तो बहुत सारा जो है फिस्कल स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से जो है दोबारा से इकोनॉमिक रिसेशन अपने पाथ को पकड़ने लगता है, रिकवरी होने लगती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक प्रोजेक्ट पे,
करना चाहिए। जैसे कि कोरोना के समय में देखा था आपने कि मई में सरकार ने, मई या जुलाई में आई थिंक, फिस्कल स्टिमुलस लेके आई थी, 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आई थी पूरा। अगला सवाल देखते हैं, द रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ बजट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, जो रेवेन्यू एस्टिमेट है बजट का वो प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। रेवेन्यू एस्टिमेट जो है बजट का प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू पार्लियामेंट, आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है यूनियन बजट को पार्लियामेंट में थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको बनाया जाता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला सवाल कहता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन, और उसमें भी मेन रोल होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर इसको रखते हैं। करेक्ट मैच आपको बताना है, करेक्ट मैच बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ये WPI रिलीज करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि पहले CSO और NSSO को मिला के अब NSO बन गया है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक ये प्रेजेंट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करती है। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट, बजट जो होता है दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट का। सरकार जो है, हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी लेके आती है जिसमें टैक्स, जिसमें बजट कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा, वो सारा चीज़ प्रेजेंट करती है। सो बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्जन और रीजन वाला सवाल है, एशर्शन कहता है कि जीरो बेस बजट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड दूसरी बात कह रहा है रीजन में कि जीरो बेस्ड बजट जो है टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एवरी स्कीम बिफोर ए बजटरी प्रोविजन इज मेड, क्रिटिकली रिव्यू करता है सारे स्कीम को कि भाई कोई स्कीम सही है कि नहीं है, आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको रिव्यू करने के बाद, उसके बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद जीरो बेस्ड बजट लाया जाता है। सो दोनों बातें सही हैं, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है कि इन यूनियन बजट फॉर 2023-2024, इन यूनियन बजट फॉर 2023-2024 अमंग द रूरल डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इट हैज़ बीन एलोकेटेड लार्जेस्ट आउटले। यूनियन बजट 2023-24 की बात करें तो इन सभी में रूरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल सर्विसेज हो गए, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, सबसे ज़्यादा जो आउटलेट था, सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन फंड का कह सकते हैं वो था ट्रांसपोर्ट को। एज़ पर बजट एस्टिमेट 2023-24 की बात करें, तो उसके हिसाब से अरेंज करना है फॉलोइंग सेक्टर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में एज़ पर देयर एलोकेटेड आउटले। जितना पैसा इनको एलोकेट किया गया है उस एलोकेशन के हिसाब से जो है करना है एज़ पर द बजट एस्टिमेट 2023-24। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर एलोकेटेड आउटले। सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दिया गया है, फिर दिया गया है रूरल डेवलपमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो, फिर दिया गया एनर्जी को, फिर चार नंबर पर सोशल सर्विसेज, सबसे कम एलोकेशन इसी को है सोशल सर्विसेज को। अगला सवाल देखते हैं, एज़ पर यूनियन बजट 2023-24 की बात करेंगे तो करेक्टली मैच आपको बताना है, एक तरफ लिस्ट वन है दूसरी तरफ लिस्ट टू है, सेक्टर और बजट एलोकेशन से रिलेटेड है। डिफेंस सेक्टर को जो है 4.33 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ था इसमें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ को 0.84 लाख करोड़ रुपये का जो है इसमें एलोकेशन था, सब्सिडी फॉर फूड को दिया गया था 1.97 लाख करोड़ का, और रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था 2.38 लाख करोड़ रुपीस। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि दीज आर ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन यूनियन बजट 2023-24 की बात करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा भारत का जो है जाता है, खर्च होता है, वो है
20% का अमाउंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा आता है लोन से ही, एंड सबसे ज़्यादा पैसा जाता भी है उनके इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% का। स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस में और ड्यूटीज़ में, जो सरकार कलेक्ट करती है टोटल पैसा, उसमें 18% जो है पैसा स्टेट्स को चला जाता है। सब्सिडीज़ देनी पड़ती है भारत को बहुत सारी चीज़ों पे, प्राइवेटी सेक्टर वगैरह पे, एग्रीकल्चर पे, तमाम चीज़ों पे सब्सिडी, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी है, वो टोटल 7% है। डिफेंस पे जो एलोकेशन था अमाउंट का, वो था 8% ऑफ द टोटल बजट। इन द यूनियन बजट 2023-24 की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट आर लेस देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट ज़्यादा था, रेवेन्यू रिसिप्ट कम था, ठीक है। एमंग द इनकम टैक्स, पब्लिक बोरोइंग, वैट की बात करें एंड सब्सिडी की बात करें, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सब्सिडी सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू नहीं है, सब्सिडी तो सोर्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सब्सिडी जब देती है सरकार, मतलब खर्च करती है, रेवेन्यू थोड़ी है वो। रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा हो, जहाँ से टैक्स से पैसा आता है भारत सरकार के पास, इनकम टैक्स हो, पब्लिक बोरोइंग से भी पैसा जनरेट करती है सरकार, बट सब्सिडी से तो पैसा जाता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। करेंट अकाउंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो सोर्सेज ऑफ इनकम है कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि कंपनियों से जो टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, पर पब्लिक इंटरप्राइजेज ऐसे इंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें सरकार का स्टेक 50% से ज़्यादा होता है, सरकारी ओन्ड कंपनियाँ होती हैं ये। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी हमारा पार्ट होता है, सोर्स होता है इनकम इन करेंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला पॉइंटर कहता है कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। स्मॉल सेविंग जो है रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता है यूनियन बजट में, ठीक है। स्मॉल सेविंग जो होता है रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट नहीं होता है यूनियन बजट में। दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट जो होता है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें कौन सा जो है इंक्लूडेड होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, ठीक है। आप अगर रोड बनाते हो, एक्विजिशन करते हो, एक्सपेंडिचर उस पर करते हो, तो सरकार का क्या है, कैपिटल बन जाता है, एसेट बन जाता है, तो कैपिटल बजट है। मतलब कि उससे क्या है, सरकार को फ़ायदा है। कैपिटल बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें कैपिटल क्रिएट होता है, जिससे कि आप यूज कर सकते हो फर्दर, आपने प्रोडक्शन में आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। इसके अलावा लोन जो रिसीव होता है फॉरेन गवर्नमेंट से, सरकार जो लोन लेती है, वो भी कैपिटल बजट का पार्ट होता है सरकार का। लोन जो एडवांसेस सरकार ग्रांट करती है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, वो भी कैपिटल बजट का पार्ट होता है। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, दीज वेयर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं बजट में, एक तो होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें डिफेंस के एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, सैलरीज होती हैं, पेंशन होती हैं, मतलब इसे आप प्लानिंग करके डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रहे हो, कंपल्सन टाइप का होता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंपल्सरी आपको देना होता है, जैसे सैलरी एंड पेंशन आपको एम्प्लॉयज़ को देना ही पड़ेगा, सब्सिडीज़ देनी ही पड़ेगी, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, नहीं तो डिफेंस सिस्टम हिल जाएगा, तो फिर कंट्री खतरे में आ जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट लोन लिया तो करना पड़ेगा। इन द यूनियन बजट्स इन इंडिया दिस इज़ द लार्जेस्ट इन अमाउंट। यूनियन बजट की बात करें भारत में, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट इन अमाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अमाउंट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही होता है यूनियन बजट में। दिस डिड नॉट टेक प्लेस इन यूनियन बजट फॉर द जो 2017-18 का था, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स नहीं हुए थे 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर के जो बजट आया था। नोट में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि यूनियन बजट जो 2017-18 था, इट कंटेन 3 मेजर रिफॉर्म्स। इसमें जो है रेलवे का जो बजट मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ, ये बहुत फेमस हुआ था, बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये जो है आप इसको याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि रिमूवल हुआ था प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का, ख़त्म कर दिया गया था इसको। तीसरा हुआ था एडवांसमेंट ऑफ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। पहले क्या होता था कि फरवरी के अंत में प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, अब क्या हो गया कि फरवरी के पहले दिन ही, 1 फरवरी को ही बजट पेश हो जाता है, तो एडवांसमेंट हुआ है लगभग 1 महीने का। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी 2017-18 के यूनियन बजट में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाएंगी, तो इसको आप याद रखेंगे।
इन दिस बजट द रेलवे बजट वॉज मर्ज विद द यूनियन बजट, ये 2017-18 अभी हमने देखा भी था, डिस्कस भी किया था कि 2017-18 का जो बजट था उसमें रेलवे बजट पहले जो अलग आता था उसको मर्ज करके जनरल बजट के साथ एक साथ कर दिया गया था। इन दिस ईयर द रेलवे बजट वॉज मर्ज विद द जनरल बजट, आंसर होगा 2017। देर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डिफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, डिफिसिट बजट एक ऐसा बजट होता है जहाँ पे सरकार जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, रेवेन्यू उसका कम होता है, आय से ज़्यादा खर्च करती है। तो ये लगातार जो है ये चल रहा है। दीज एक्शंस कैन बी टेकन बाई गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिफिसिट। डिफिसिट बजट को रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है, ताकि जो खर्च है कम हो जाए, रेवेन्यू इनकम को बढ़ सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर लो तो आपका डिफिसिट बजट कम हो जाएगा। सब्सिडीज को कम किया जा सकता है, रेशनलाइज किया जा सकता है, ठीक है, उस तरीके से भी सब्सिडी कम करोगे तो सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लार्जेस्ट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यह है इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है सरकार के पास बजट में, वो जो लोन लेके रखता है ना सरकार, गवर्नमेंट, उसके इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। इन द यूनियन बजट द लार्जेस्ट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इन द यूनियन बजट द लार्जेस्ट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट पेमेंट। अगला सवाल कहता है कि इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ व्हाट। इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम है। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट जो है एक आइटम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट। सबसे ज़्यादा खर्चा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट पेमेंट पे ही करती है सरकार। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेम ही क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट इन रिसेंट ईयर्स इज इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जाता है। अगला सवाल देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। नंबर वन स्टेटमेंट कहता है कि इंकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्लोज। सेकेंड कहता है कि प्राइवेटाइजिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड कहता है डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। चौथा कहता है सेलिंग ऑफ लोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये कह रहा है, सवाल अब एक्चुअली स्टार्ट होता है कि अमंग द अबव जो भी हमने डिस्कस किया, दीज कैन बी यूज्ड एज मेजर्स टू कंट्रोल द फिस्कल डिफिसिट इन इंडिया। सबसे पहले समझो फिस्कल डिफिसिट होता क्या है। आय से ज़्यादा व्यय, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट होता है। रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर सरकार का फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार क्या कर सकती है? डाउन साइज कर सकती है ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को डाउन साइज कर सकती है। इससे क्या हो, सैलरी कम कर हो जाएगी तो आय से ज़्यादा एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो जाएगा। सेलिंग ऑफ और ऑफ लोडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इससे क्या होगा कि सरकार जो है अगर PSUs अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी अंडरटेकिंग होती है जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, हेवी, सरकार ओनर होती है, उसमें अपना जो है ऑफलोड कर दे शेयर बेच दे तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा सरकार के पास। तो उसके पास कह सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा उसका और एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो ये दो मेजर हैं, 3 और 4। दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइनेंस सर्विस सेक्टर। दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिस्कल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2023 की बात करें तो, ठीक है, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर वो है फिस्कल डिफिसिट जो है वो 3.5% ऑफ द GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स रहा। फिस्कल डिफिसिट कितना रहा? 3.5% ऑफ द GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स
बजट एस्टिमेट जो 2023-24 का रखा गया फॉर टोटल एक्सपेंडिचर ये था 45 लाख करोड़ रुपये का था ये। फिस्कल डिफिसिट जो एस्टिमेटेड है, टारगेट जो लिया गया है 2025-26 के लिए, वो लिया गया है कि 4.5% से कम रहे फिस्कल डिफिसिट, ये टारगेट लिया गया है 2025-26 तक के लिए। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया जाएगा जिससे स्टेट्स का जो है स्टिमुलस, फिस्कल जो है स्टिमुलस हो सके और वो बाकी डिफरेंट सेक्टर्स पे जो है वो अपने खर्च कर सके, ग्रो कर सके, उसके लिए है ये। दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो द फिस्कल डिफिसिट टारगेट जो है फॉर द ईयर 2022-2023 इट वॉज प्लेस्ड एट 6.4% ऑफ द GDP, बिल्कुल सही है। जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट रखा गया फॉर द ईयर 2022-2023 वो 6.4% ऑफ द GDP रखा गया, एंड द फिस्कल डिफिसिट टारगेट जो रखा गया है 2023-24 के लिए ये रखा गया था 5.9%। तो ये डेटा कभी भी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें, द यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द फिस्कल डिफिसिट एट 5.9% ऑफ द GDP। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए फिस्कल डिफिसिट, इससे ज़्यादा ना हो। वो कितना नंबर है, वो 5.9% ऑफ द GDP है। इन द यूनियन बजट 2021-22 की बात करें, द फिस्कल डिफिसिट वॉज पेग्ड एट 6.8%। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक्चुअल रहा 6.7%, बट जो एस्टिमेटेड था वो 6.8% था GDP का, और ये बार बार पूछा गया था सवाल, फिस्कल डिफिसिट हाई हो गया था ये। अगला सवाल देखेंगे, फिस्कल डिफिसिट और ऑब्लिक GDP रेशियो जो है हैज़ बीन मैक्सिमम इन द फाइनेंशियल ईयर, ये मैक्सिमम रहा था फिस्कल डिफिसिट जो है 9.2% रहा था GDP का, ये रहा था 2020-21 में, अभी कम हुआ है, ठीक बात है। फिस्कल डिफिसिट फाइनेंशियल ईयर 1990-91 में कितना था GDP का, ये पूछा गया सवाल, एक फैक्ट है, कभी पूछा सकता हूँ, क्योंकि वो साल बहुत भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था। उस साल में ऐसा देखा गया था कि भारतीय इकोनॉमी के पास जो है ऑलमोस्ट क्राइसिस में थे हम लोग, 15 दिन के लिए ही इंपोर्ट के लिए हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज बचे हुए थे, बहुत बुरी स्थिति में थे। तो उस समय जो था फिस्कल डिफिसिट, इट स्टूड एट द परसेंटेज ऑफ 8.4% ऑफ द GDP। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ द नेशनल बजट ऑफ फेब्रवरी 1997 में जो बजट आया था वो क्यों फेमस रहा। ये फेमस रहा क्योंकि इसमें रिडक्शन हुआ था इन ऑलमोस्ट एवरी टैक्स। 1997 का जो बजट आया था उसमें ऑलमोस्ट एवरी टैक्स में जो है रिडक्शन देखा गया था, तो आम आदमी के जेब पे जो है अच्छा असर पड़ा था इससे। द प्रेजेंट कम्बाइंड फिस्कल डिफिसिट ऑफ स्टेट्स हैज़ टच्ड रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच, प्रेजेंट कम्बाइंड फिस्कल डिफिसिट जो रहा ये 2020-21 में 8.05 लाख करोड़ का था, जो कि 4.1% था GDP का, ये रिकॉर्ड था। द बजट ऑफ फॉर द ईयर 2012-13 साउट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज टू 3.5% ऑफ द GDP। अब देखिए, बोला गया कि सब्सिडीज दीजिए, सब्सिडीज देना चाहिए, जैसे फार्मर्स को सब्सिडीज देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देना चाहिए, सब्सिडीज देना चाहिए, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना चाहिए, बोला गया। लेकिन बोला गया कि इतना सब्सिडी मत दीजिए कि आप मतलब आपका फिस्कल जो है स्टिमुलस बिगड़ जाए, फिस्कल जो है बैलेंस बिगड़ जाए, डिफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़े। तो ये बजट जो 2012-13 में था उसमें इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई जो सब्सिडीज़ होंगी वो टोटल GDP के, मतलब 100% GDP है उसका 3.5% ही दो, इससे ज़्यादा मत दो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस साल में ये रिस्ट्रिक्शन आया था, सवाल आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। एज़ पर द बजट एस्टिमेट ऑफ 2023-24 टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना था, एज़ पर द बजट एस्टिमेट की बात करें 2023-24 की, तो टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर था 1.34% ऑफ द GDP। एज़ पर बजट एस्टिमेट बात करें 2023-24 के, तो टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर था 1.34% ऑफ द GDP। इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 2022-23 की बात करें, टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर स्टूड एट 2.06% ऑफ द GDP। रिवाइज्ड एस्टिमेट 2022-23 की बात करें तो टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर जो था ये था 2.06% ऑफ द GDP। अगला सवाल देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपको स्टेटमेंट देखना है,
पहला स्टेटमेंट है दैट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही है। द कंटिन्यूड हाई बोरोइंग हैज केप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट्स हाई इन इकोनॉमी, ये दोनों बातें सही हैं। नहीं, 2, 3, 4 सही है, 1 सही नहीं है। 1 दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट, ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द अपवर्ड ट्रेंड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल डिफिसिट इन GDP इन रिसेंट ईयर्स हैज़ एडवर्स इफेक्ट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिजिकल डिफिसिट की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ा है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं इसको। इंटरेस्ट पेमेंट्स इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है सरकार का जो कि नॉन प्लान्ड है, चंक ऑफ अमाउंट जाता है, लगभग 20% शेयर चला जाता है सरकार का इसी पे। 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। अगला देखते हैं, कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग बजट डिफिसिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट डिफिसिट्स को देखना है। पहला जो है कह रहा है प्राइमरी डिफिसिट, दूसरा कहता है फिस्कल डिफिसिट, तीसरा कहता है रेवेन्यू डिफिसिट, इन तीनों को देखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर इनके वैल्यूज़ के हिसाब से, सबसे बड़ा मतलब वैल्यू टर्म में कौन सा होता है, फिस्कल डिफिसिट, सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है फिस्कल डिफिसिट में, फिर आता है रेवेन्यू डिफिसिट, फिर आता है प्राइमरी डिफिसिट, टोटल जो है इस तरीके से आपको बनता है 2, 3, 1। दिस फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो फिजिकल डिफिसिट है, उसके बाद फिर रेवेन्यू डिफिसिट आता है, फिर प्राइमरी डिफिसिट आता है अमाउंट के टर्म में। एज कंपेयर टू रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट विल ऑलवेज रिमेन हायर देन रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट दूसरे नंबर पे आता है, फिर प्राइमरी डिफिसिट तीसरे नंबर पे आता है। करेक्ट मैच आपको एक दिन बताना है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग, मतलब कि आय से ज़्यादा खर्च, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग से ज़्यादा होता है। बजट डिफिसिट में क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट बजट डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, बजट डिफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसे रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डिफिसिट में होता है टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है सरकार का टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, उसमें से बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे तो प्राइमरी डिफिसिट निकल जाता है, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हो कि बजट डिफिसिट में से बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिस्कल डिफिसिट इन यूनियन बजट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है कि टोटल जो बजट है डिफिसिट का एंड नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग आपका फिस्कल डिफिसिट होता है। फिस्कल डिफिसिट इज सम ऑफ बजट डिफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, ये भी एक फॉर्मूला है। फिस्कल डिफिसिट को निकाला जा सकता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूले पे निकाल सकते हो फिस्कल डिफिसिट को। इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है, इन इंडियाज यूनियन बजट फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन बजट में फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दो तो फिस्कल डिफिसिट निकलता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है सरकार का आय से ज़्यादा होता है, माइनस में रहता है ये। एसर्शन रीजन वाला सवाल है, एसर्शन कहता है कि फिस्कल डिफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डिफिसिट, सही है ये, फिस्कल डिफिसिट जो है बजटरी डिफिसिट से ज़्यादा होता है। रीजन कहता है कि फिस्कल डिफिसिट इज द बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, दोनों बातें सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसर्शन का। इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट द रिमाइंडर विल बी, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा लोगे ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट में से, वो मिलेगा आपको ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट मिलेगा।
इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट इज़ एडेड टू द प्राइमरी डिफिसिट तो आपको फिजिकल डिफिसिट मिलेगा। इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप प्राइमरी डिफिसिट में ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिजिकल डिफिसिट मिलेगा। क्या मिलेगा, फिजिकल डिफिसिट मिलेगा। इफ प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो, अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो है देन अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कितना होगा, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट होगा। प्राइमरी डिफिसिट इन यूनियन बजट 2023-24 कितना था, प्राइमरी डिफिसिट था 2.3% ऑफ द GDP। प्राइमरी डिफिसिट यूनियन बजट का कितना था 2023-24 का, ये था 2.3% ऑफ द GDP। एज पर द रिवाइज एस्टिमेट की बात करें 2022-23 की, तो प्राइमरी डिफिसिट कितना था, 3% था GDP का, 3% था GDP का। रेवेन्यू डिफिसिट इंडिया में इम्प्लाई करता है क्या, रेवेन्यू डिफिसिट होता है इसका मतलब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। जब सरकार का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही जो है ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रहा है उसको फाइनेंस करने के लिए सरकार को पैसा कर्ज लेना पड़ेगा। अब वो पैसा कहाँ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाएगा, यानी कि कैपिटल तो क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो कैपिटल क्रिएट होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल नहीं क्रिएट होता है। आफ्टर डिडक्टिंग ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डिफिसिट वी अराइव एट इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। जब हम डिडक्ट करते हैं ग्रांट्स को जो सरकार ग्रांट करती है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम रेवेन्यू डिफिसिट, घटाएंगे हम डिडक्ट करेंगे तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट मिलेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था यूनियन बजट में 2011-12 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011-12 में हुआ था। ये सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, बोल रहा हूँ मैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कब इंट्रोड्यूस हुआ था यूनियन बजट में, 2011-12 में। इन बजट एस्टिमेट 2023-24 का जो आया था, द इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट इज एस्टिमेटेड 1.7% ऑफ द GDP। जो बजट एस्टिमेट आया था 2023-24 का उसमें इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया था, 1.7% ऑफ द GDP। अ लार्जर पार्ट ऑफ फिजिकल डिफिसिट इन यूनियन गवर्नमेंट बजट इज फिल्ड बाई डोमेस्टिक बोरोइंग्स। एक लार्जर पार्ट जो है फिजिकल डिफिसिट का यूनियन गवर्नमेंट में बजट में फिल किया जाता है डोमेस्टिक बोरोइंग्स से। फिजिकल डिफिसिट हुआ है यानी कि आय से ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो वो जो ज़्यादा खर्चा हुआ है वो बोरोइंग करना पड़ेगा। जनरली जो है लार्जली कह सकते हैं आप डोमेस्टिक बोरोइंग से सरकार जो है इसे फुलफिल करती है, कुछ इंटरनेशनल बोरोइंग भी होता है। एसर्शन रीजन वाला सवाल है, एसर्शन कहता है कि डिफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, डिफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। मतलब कि आप आय से ज़्यादा खर्च ज़्यादा करोगे तो लोगों के पास, यानी ज़्यादा पैसा दे रहे हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा प्राइसेस में, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रीजन कहता है कि इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू द गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, गुड सर्विसेज उतने ही हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, गुड्स उतने ही हैं तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि बोथ एशर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एशर्शन का, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एशर्शन का। अगला सवाल देखते हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट्स एडिशनल पेपर करेंसी टू फिल द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। दिस डिवाइस एम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट फेल्स, इट जनरेट्स इन्फ्लेशन। देखिए होता है क्या है, कई बार सरकार जो है डिफिसिट फाइनेंस इसलिए भी करती है कि सरकार चाहती है कि फिजिकल स्टिमुलस लाया जाए, ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा सोच के सरकार करती है। बट कई बार ये फेल हो जाता है, प्रोडक्शन तो होता नहीं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। डिफिसिट फाइनेंसिंग का इफेक्ट जो होता है इकोनॉमी पे, ये इंक्रीज कर देता है मनी सप्लाई को। डिफिसिट फाइनेंसिंग का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है ये कि ये इंक्रीज कर देता है मनी सप्लाई को। दिस इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट।
दिस इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट. ये है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट. अगला सवाल देखते हैं. इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों किया जाता है डिफिसिट फाइनेंसिंग? ये इसलिए किया जाता है कि भाई सरकार चाहती है कि ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए. ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, देश की तरक्की होगी, विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. एसर्सन रीजन वाला सवाल है. एसर्सन कहता है कि देर इज ए हिस्ट्री ऑफ फिस्कल डिफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इन इंडिया. बहुत बार ऐसा देखा गया, हिस्ट्री रहा है हमारा कि हमने डिफिसिट फाइनेंसिंग करी है, फिस्कल डिफिसिट रहा है लगातार. इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ इंजॉयड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. ये भी सही है. नहीं नहीं, गलत है एक्चुअली. इंडियन एग्रीकल्चर को अभी भी इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलती है वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में. वेस्टर्न कंट्री में चले जाओगे ना तो सब्सिडी इतनी ज़्यादा है एग्रीकल्चर के, क्योंकि लोग ही डिपेंडेंट नहीं है ज़्यादा. अब भारत में अब कंडीशन ऐसा है ना कि केओटिक हो जाएगा. इतने ज़्यादा लोग 50% लोग अभी भी खेती करते हैं, खेती पे ही डिपेंडेंट है फॉर देयर सब्सिस्टेंस. तो उनको ज़्यादा सब्सिडी दोगे तो सरकार का ज़्यादा खर्चा होगा. लेकिन वेस्टर्न कंट्री में लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर पर, तो वहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा है. सो ए ट्रू है, आर फॉल्स है. एसर्सन रीजन, अ बिग सोर्स ऑफ डिफिसिट इन द गवर्नमेंट्स बजट इज द फाइनेंशियल सब्सिडी. ए बिग सोर्स ऑफ डिफिसिट इन द गवर्नमेंट्स बजट इज फाइनेंशियल सब्सिडी. ठीक है. रीजन कहता है कि द लेवल ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडी इज मच हायर इन इंडियन एग्रीकल्चर दैन इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है. जो सब्सिडी है भारत में इंडियन एग्रीकल्चर में वो कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, अभी हमने डिस्कस भी किया था रिगार्डिंग मनी बिल. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. मनी बिल के रिगार्डिंग आपको कंसिडर करना है. एक मनी बिल जो होता है इट इज़ कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है. मनी बिल का अप्रोप्रिएशन होता है, मतलब उसे वोटिंग करके उसको लाया जाता है. सही है. अगला सवाल देखते हैं. ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल. एक बिल को मनी बिल कब मानेंगे? इफ़ इट कंटेंस एनी प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. कोई भी टैक्स नया ला रहे हो, इम्पोज कर रहे हो मतलब, या फिर हटा रहे हो, एबोलिश कर रहे हो, या फिर उसमें कुछ रियायत दे रहे हो, रिमिशन दे रहे हो, या फिर उसमें अल्टर कर रहे हो, बढ़ा घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, तो वो टैक्स में ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा. उस बिल को हम बोलेंगे मनी बिल. बिना बिल ला के उसे पास करके एक्ट बना के बिना वो संभव नहीं है. ए मनी बिल डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मनी बिल क्या है? इट डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ए मनी बिल हैज़ प्रोविजन्स फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड ऑब्लिक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. मनी बिल के थ्रू ही अप्रोप्रिएशन बिल ला के फिर पास करके मनी बिल के द्वारा पैसा निकाला जाता है इन फंड से. सरकार के पास कंसोलिडेटेड फंड भी है, कंटीजेंसी फंड भी है. कंटीजेंसी फंड ऐसे कोई आपदा उपदा आ गया तो भी यूज होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसीजर ऑफ बजट इन पार्लियामेंट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस टू 1 रुपीज गोल्ड. इस तरीके की चीज़ों को हम पॉलिसी कट मोशन में लाया जाता है कि भाई किसी डिपार्टमेंट ने मान लो किसी स्कीम के लिए डिमांड किया 1,000 करोड़ रुपया, और जब डिस्कशन में आएगा तो जो है अपोजिशन क्या करेगी, कट मोशन लेके आएगी, पॉलिसी कट मोशन. उसमें बोलेगी कि ये 1,000 करोड़ रुपये को 1 रुपये कर दो. मतलब 1 रुपये हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा. इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन. Among the censor, call attention, cut and adjournment motions. It is contextual relationship with the union budget. Cut motion, policy cut motion से ही related है. ये union budget से related है कि budget में कोई department को कुछ पैसा allocate किया. मैंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये मान लो allocate किया, तो opposition वाले क्या करेंगे, cut motion लेके आएंगे. Cut motion में बोलेंगे कि इसको reduce करके 1 रुपये कर दो, ताकि उसका कोई मतलब ही ना हो. पॉलिसी कट मोशन, बजट डीम्ड टू बी रिड्यूस टू 1 रुपीज़, जिसका कोई मतलब नहीं है. इकोनॉमिक कट मोशन, 3 तरीके के कट मोशन होते हैं. पॉलिसी कट मोशन में 1 रुपये कर दिया जाता है बजट को, जो भी बजट का डिमांड है किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ भी, तो उसको 1 रुपये कर देना. इकोनॉमिक कट मोशन लाया जाता है, बजट डीम्ड टू बी रिड्यूस्ड बाई ए स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट. हो सकता है कि उसको बोले कि 20% कम कर दो. ठीक है, 1,000 करोड़ का है तो मान लो कि को बोले कि 800 करोड़ का कर दो. इस तरीके से कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट से कट किया जाएगा.
टोकन कट मोशन लाया जाता है तो इसका मतलब है कि बजट डिमांड भी रिड्यूस्ड बाय रुपीज़ 100, ठीक है 100। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब ऑपोजिशन जो है इससे असहमति दिखाता है टोकन कट मोशन ला के। वोट ऑन अकाउंट इज मीन्ट फॉर व्हाट? वोट ऑन अकाउंट होता है अप्रोप्रिएशन किया जाए, मतलब कि फंड को निकालने के लिए होता है, पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। देखिए होता क्या है कि आप समझिए, बजट में क्या होता है कि डिपार्टमेंट जितनी भी होती है अपने अपने बजट को तैयार करती है कि मुझे भाई इतना करोड़ रुपये चाहिए, 5000 करोड़ रुपये चाहिए, मुझे इतना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेगी इतना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलेगी मुझे इतना चाहिए। तो वो फंड मान लो बजट में पास हो गया, फिर उसके बाद होती है उस पर वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑफ अकाउंट होती है, इसका मतलब ये है कि वोटिंग की जाती है और जो वोटिंग हो जाती है मेजोरिटी में तब अप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब वहाँ से जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। सो वोट ऑन अकाउंट इज मीन्ट फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटकम बेस्ड बजट। आउटकम बजट 2005 से लाया गया है। अंडर दिस द मॉनिटरिंग ऑफ द आउटकम्स विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन बोथ। अभी प्लानिंग कमीशन एबोलिश हो चुकी है 2015 से 1 जनवरी से, और उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो ये आउटकम्स को मॉनिटर करने का काम करता है। अभी ये आउटकम बजट जो है 2005 से लाया गया है कि भाई कोई प्लान ला रहे हैं, हम बजट लेके आ रहे हैं कि इस स्कीम पे इतना खर्चा करेंगे, यहाँ पे ये प्रायोरिटी होगी, वो प्रायोरिटी होगी, तमाम चीज़ें बोल दी आपने, लेकिन जब खर्च हो रहा है तो उसका आउटकम निकला है कि नहीं, गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है और अभी के डेट में नीति आयोग भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर आउटकम बेस्ड जो परफॉर्मेंस बजट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, ये यूएसए से हमने बोरो किया है, जो कि हमने 2005 से लागू कर दिया है। एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डिफिसिट इन इंडिया वॉज एबोलिस्ड ऑन, कब एबोलिश किया गया था, 31 मार्च 1997 को एबोलिश किया गया था। एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डिफिसिट इन इंडिया वॉज एबोलिस्ड ऑन 31 मार्च 1997। फिर आता है इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन ऑडिट ऑफ बजट थ्रू। इंडियन पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक्सरसाइज करती है बजट के ऊपर, कंट्रोल देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू। अब इसमें आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट दे ही दिया है, देख लेते हैं एक बार। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2003 में, और ये रिव्यू करता है, रिव्यू कमेटी जो है रिकमेंड किया था डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60% फॉर जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट के लिए 2023 में, कंप्राइजिंग 40% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। डेट टू जो रेशियो है जीडीपी रेशियो, मतलब कि जीडीपी आपका नीचे मान लीजिए 100% है तो आपका डेट रेशियो होना चाहिए 60% तक आप लोन ले सकते हो, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। ठीक है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ऑलरेडी ले रखा है और भी लोन लेना चाहती है किसी अदर सोर्स से तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है लेना पड़ेगा। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट किस साल में इनएक्ट हुआ था, पास हुआ था, ये 2003 में पास हुआ था और जुलाई 2004 से इसे इफेक्टिव कर दिया गया। इसके द्वारा बोला गया है कि सर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 3% जो है अपना फिस्कल डिफिसिट रख सकती है अपने स्टेट के ग्रॉस स्टेट के जीडीपी से 3%, और अभी ड्यूरिंग कोरोना इसको 3.5% कर दिया गया था। ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंटर कहता है कि अकॉर्डिंग टू FRBM बिल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल कहते हैं, द टारगेट फॉर अचीविंग द टैक्स GDP रेशियो 2008-09 का क्या लिया गया था, ये लिया गया था 12%। रिवाइज एस्टिमेट जो 2022-23 के आया है एंड जो 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट है, द रेशियो ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू
टू GDP आर एस्टिमेटेड एट 11.1%. दिस वॉज नॉट स्टिपुलेटेड इन द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2003 का है. इसमें इलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डिफिसिट बाई द इंड ऑफ फिस्कल ईयर 2008-09 नहीं लिया गया था. इसमें ये लिया गया था कि टारगेट हो अचीव करने का टैक्स टू GDP रेशियो 12% का, मतलब GDP जितना भी हो उसमें 12% जो पैसा है वो टैक्स से आए. दीज वेयर स्टिपुलेटेड इन द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. ये हैं क्या क्या हैं, ठीक है, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में स्टिपुलेटेड किए गए थे. ये हैं इलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट बाई द इंड ऑफ फिस्कल ईयर 2007-08. इसके अलावा दूसरा जो इसका टारगेट लिया गया था वो लिया गया था फिक्सिंग गवर्नमेंट गारंटीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP. इसके अलावा नॉन बोरोइंग बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम RBI एक्सेप्ट अंडर द सर्टन सर्कमस्टांसेस इसका प्रावधान था. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, इट इज़ अडॉप्टेड इन राजस्थान विथ ऑब्जेक्टिव्स टू वॉट. ये राजस्थान में अडॉप्ट किया गया था टू इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट. द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन यूनियन बजट 2020-21 का देखें. द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन यूनियन बजट 2020-2021 वाज ₹90,000 करोड़. दिस अमाउंट हैज़ बीन टारगेटेड इन द यूनियन बजट 2023-24 फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ये टारगेट लिया गया था 51,000 करोड़ रुपये का. दिस अमाउंट हैज़ बीन टारगेटेड इन यूनियन बजट 2023-2024 फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ये टारगेट लिया गया था 51,000 करोड़ रुपये का. एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ ₹10,000 करोड़ फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 और 2001 वाला फाइनेंशियल ईयर, देर वॉज रियलाइजेशन ऑफ ओनली 1829 करोड़. सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट लिया था, मतलब गवर्नमेंट का जो स्टेक्स होता है सरकारी कंपनियों में 10,000 करोड़ रुपये बेचने का टारगेट लिया था, बट ये संभव हो पाया था मात्र 1829 करोड़ 1829 करोड़. अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट 2016-17 की बात करें, दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटअप बाई अंडर रेलवे. ये है श्रेष्ठा. अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट 2016-17 की देखें तो दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटअप अंडर रेलवे. यह है श्रेष्ठा. द रेलवे बजट 2013-14 की बात करें, हैज़ अप्रूव्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू हाइपर लग्जरी क्लास. इट इज़ कॉल्ड अनुभूति. द रेलवे बजट 2013-14 की बात करें, इट हैज़ अप्रूव्ड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू हाइपर लग्जरी क्लास. इट इज़ टू बी कॉल्ड अनुभूति. डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू व्हाट. डायरेक्ट टैक्स कोड जो है भारत में वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है. डायरेक्ट टैक्स कोड जो है इंडिया में, इट इज़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स. द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स. द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स वॉज सजेस्टेड इन द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कालदोर. द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स वॉज सजेस्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कालदोर विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई नॉन रेसिडेंट एंटिटीज. दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सवाल फिर से सुनिएगा. विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई नॉन रेसिडेंट एंटिटीज. दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यह है इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. दूसरा इसमें जो सही है वो है नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन नॉट क्लेम टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स. टोबिन टैक्स. टोबिन टैक्स इज लेविड ऑन व्हाट. टोबिन टैक्स लिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस के ऊपर. टोबिन टैक्स लिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस के ऊपर. टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वो बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स. आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लैंड वगैरह जो भी है, उसको बेचा आपने, तो जो भी आपको जब ख़रीदा था उससे कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही, उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं. द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
इन द ईयर 2022-2023 2023-2024 इज 2.98%. द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन जीडीपी इन द ईयर 2022-2023 2024-2023 and 2023-2024 are estimated at 2.98%. At present, share of direct taxes in GDP in India is about 6%. At present, अगर बात करें share of direct taxes की GDP में, भारत में वो है 6%. Tax GDP ratio भारत में कितना है? Tax GDP ratio भारत में 16-17% होता है. ठीक है, जितना भी भारत का GDP है 100%, उसमें 16-17% ऊपर टैक्स होता है. ठीक है, मतलब टैक्स से पैसा आता है उतना. टैक्स GDP रेशियो 2008-09 में कितना था? 16.5% था. टैक्स टू GDP रेशियो जो था 2008-09 में वो कितना था? 16.5% था. टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ सेंटर फाइनेंशियल 2023-24 में कितना था? ये कम हो गया है. सेंटर में ये मात्र 11.1% रहा. ए डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ कंट्री डज नॉट इंडिकेट व्हाट. देखिए, टैक्स टू GDP रेशियो में अगर इन डिक्रीज आता है, कमी आती है टैक्स टू GDP रेशियो में, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्लो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं फास्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. तो स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये जो है सही नहीं है. ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन ए कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू. देखिए, कई तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं, जिसमें एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, जिसमें जो आदमी जितना ज़्यादा कमाता है उससे उतना ही ज़्यादा टैक्स लिया जाता है. तो किसी भी कंट्री में अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का, जहाँ पे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जाता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगा देना चाहिए. भाई, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा. इस तरीके से जो टैक्स आएगा वो फर्दर लोगों को, गरीबों पे खर्चा किया जाएगा. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कम्बाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर भी सरकार को करना पड़ेगा. अगर ज़्यादा टैक्स ले रहे हो लोगों से, तो वो पैसा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर पे, जिसे कहते हैं सोशल सेक्टर वगैरह पे. दिस काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज़ फाउंड इन इंडिया. ओवरऑल डिग्रेसिव जो है हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ टैक्स है. दिस काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, ओवरऑल डिग्रेसिव. बात करें अगर अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2016-17 की, तो ए सरचार्ज ऑफ 15% इज पेएबल इफ द इनकम इज अबव ₹1 करोड़. ठीक है, अगर यूनियन बजट 2016-17 की बात करें, एक सरचार्ज लिया जा रहा है 15% का. इट इज पेएबल इफ द इनकम इज अबव ₹1 करोड़. इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2011-12 की बात करें, ए न्यू कैटेगरी ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन्स. सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो 2011-12 का आया था, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन्स हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. दिस कैटेगरी कवर्स द पर्सन ऑफ द एज 80 ईयर्स एंड अबव. इनको जो है भरना ही नहीं था इनकम टैक्स. एज पर द यूनियन बजट 2023-24 की बात करें, द सीनियर सिटीजन हैव not to pay income tax up to the income of 5 lakh. सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपये तक का जो है के ऊपर टैक्स भरना ही नहीं था. These were true for central sales tax. तो सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? इट वॉज लेवीड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड. इट इज लेवीड इन द यूनियन टेरेटरीज. ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज हाइएस्ट इन द लास्ट ईयर 10 ईयर्स. इन 2021-22 में ये 33.7% था. 2016-17 में 17.9% था. ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब सरकार के पास जो ज़्यादा टैक्स से पैसा आया वो 2021-22 में 33.7% आया, और 2016-17 में एक बार आया था 17.9%. थ्री लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023-24 में बात करते, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू आया वो आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 17% आया. फिर आया कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनियाँ देती हैं, वो 15% था, और इनकम टैक्स भी 15% था. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इन टू 2023-2024 आर रेस्पेक्टिवली 8.9% एंड 12.9%. कस्टम जो है
कितना था, कस्टम ड्यूटी जो आया वो 8.9% था और यूनियन एक्साइज ड्यूटी था 12.9% कंट्रीब्यूशन था सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इनका। अगला सवाल देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार के पास सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है टैक्स रेवेन्यू के तौर पे वो आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, फिर आता है इनकम टैक्स से, दोनों से 15% आता है, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी आप देख सकते हैं 12.9% आया था, और फिर आता है सर्विस टैक्स से। तो इस तरीके का कुछ जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में मैच बनता है। फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचेज ऑफ एस्टिमेटेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ यूनियन बजट 2020-2021। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से सरकार के पास पैसा आया, तो कॉरपोरेशन टैक्स से जो है 18% का पैसा आया सरकार का टोटल पैसा का, इनकम टैक्स से आया था 17% का 2020-21 में, कस्टम्स से आया था 4% का पैसा, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है उससे आया था 7% का पैसा। इन द यूनियन बजट 2023-24 की बात करें, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार को कहाँ से मिला, सबसे ज़्यादा मिला जीएसटी से, जीएसटी से 17% पैसा आया सरकार के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कॉरपोरेशन टैक्स से इसको 15% पैसा आया सरकार के पास पैसा आया, इनकम टैक्स से 15%, एक्साइज ड्यूटी जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी वहाँ से 7% का पैसा आया था सरकार के पास। कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू में आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, फिर आता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, फिर आता है कस्टम ड्यूटी से, फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। इसमें नहीं, ये ऑर्डर गलत है, अब इसको जो है करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा 1, 2, 4, 3, ठीक है, 1, 2 सही है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3। सबसे ज़्यादा अमाउंट कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, फिर आता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से पैसा सरकार के पास, फिर आता है कस्टम से। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट 2009-10 में। यूनियन गवर्नमेंट के पास 2009-10 में सबसे ज़्यादा पैसा आया था कॉरपोरेशन टैक्स से, सबसे ज़्यादा पैसा आया था कॉरपोरेशन टैक्स से। द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म बिकॉज व्हाट। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं दे आर चार्ज एट द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इसको रिग्रेसिव मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे कोई कितना भी कमा रहा हो सबसे एक ही चार्ज लिया जाता है, सेम ही रेट होता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जो ज़्यादा कमाता है उसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, रिग्रेसिव में सेम होगा या फिर कम ही होता जाएगा। इन द ईयर 2013-2014 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट का था कॉरपोरेशन टैक्स, हमेशा रहता है कॉरपोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टैक्सों में। अमंग द इनकम टैक्स की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें, यूनियन एक्साइज ड्यूटी की बात करें और कस्टम ड्यूटी की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो वो है भारत के लिए लार्जेस्ट सोर्स है कॉरपोरेशन टैक्स हमेशा। 2005-06 के यूनियन बजट में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगेन कॉरपोरेशन टैक्स ही था। इन इंडिया द टैक्स प्रोसीड्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। अगर देखें 2005-06 से लेकर 2009-10 वाले फाइनेंशियल ईयर से, तो वो कम होता जा रहा है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज कम होता जा रहा है इन कुछ सालों में। एमंग द सर्विस टैक्स एजुकेशन सेस कस्टम ड्यूटी एंड रोड टैक्स। एमंग द सर्विस टैक्स एजुकेशन सेस की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, रोड टैक्स की बात करें, दिस इज़ नॉट अ टैक्स और ड्यूटी लेविड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है रोड टैक्स। रोड टैक्स जो है सरकार नहीं लेती है, रोड टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है। दिस टैक्स इज लेविड बाई यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाई स्टेट्स। ये टैक्स जो है लेवी करती है यूनियन बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करती है स्टेट्स, ये है स्टाम्प ड्यूटीज। अगला सवाल देखिए, नेट प्रोसीड्स ऑफ ऑल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग सेस सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कलेक्टेड बाई यूनियन आर शेयरेबल विथ द स्टेट्स। नेट प्रोसीड ऑफ ऑल टैक्सेस जो आता है आफ्टर डिडक्टिंग सेस सरचार्ज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ये सब घटा लिया जाए, जो भी पैसा बचता है फाइनेंस कमीशन के एडवाइस पे शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेविंग कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम टैक्सेस
करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द यूनियन लेवी करता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स को लेवी करता है, कलेक्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इन प्रोसीड्स को, अपने पास कुछ रखता है और बाकी स्टेट्स में बांट लेता है, मतलब एक मेथडोलॉजी से एक तरीके से करता है ये। फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो जो है मोडस ऑपरेंडी बताता है कि कैसे ये डिवाइड होगा। दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया, दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है इनकम टैक्स में, एंड ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब कि जिससे लिया जाता है उसी को पेन होता है। दिस सेट ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिलोंग्स टू यूनियन गवर्नमेंट, दिस सेट ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिलोंग्स टू यूनियन गवर्नमेंट, आंसर होगा कस्टम ड्यूटीज, कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों जो है, ये पैसा किसको जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को जाता है, कस्टम ड्यूटी हो कॉरपोरेशन टैक्स हो। दीज टैक्सेस बिलोंग टू स्टेट गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स जो होता है जिसे हम स्टेट GST बोल सकते हैं आज के डेट में, लैंड रेवेन्यू या फिर होल्डिंग टैक्स जो होता है, ये जो टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट को के पास जाता है। एमंग द इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, सेल्स टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वही अगर बात करें, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स टैक्स है, स्टेट ड्यूटी एक डायरेक्ट टैक्स है। द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर एज फॉलो, करेक्टली मैच्ड बताना है। कैपिटल गेन टैक्स एक सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे किया जाता है, मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी सन 2000 में, वो खरीदी आपने 5 लाख की, अब सन 2024 चल रहा है, अब इसकी दाम हो गई है 40 लाख रुपये, तो ये आपके प्रॉफिट पे जो गेन पे जो है आपके टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री प्रोड्यूस पे लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट पे, जो सामान हम विदेशों से अपने कंट्री में मंगाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाता है इनकम पे, इनकम ऑफ द जो कॉरपोरेट्स हैं उनके इनकम पे लगाया जाता है, इनकम ऑफ द कंपनी कह सकते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ कंपनी, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है लेवी किया जाता है यूनियन के द्वारा और शेयर किया जाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। कॉरपोरेशन टैक्स जो है लेवी किया जाता है यूनियन के द्वारा और शेयर किया जाता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। एक टैक्स है काफ़ी फेमस, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बोलते हैं इसको, मैट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 1996-97 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 1996-97 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉड वैट, मॉडिफाइड वैट कहते हैं इसको, इज़ रिलेटेड टू यूनियन एक्साइज ड्यूटी। सेन वैट, सेंट्रल वैट बोलते हैं, ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी से ही रिलेटेड है। वैट का जो है, वैट इज़ इम्पोज्ड ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। इसका मतलब है वैट किस पे लगता है, आप समझ लो एक बार, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। मान लीजिए कि आपने, आपके पास कुछ गेहूँ था, ठीक है, गेहूँ था, आपने उस गेहूँ में कुछ वैल्यू एडिशन किया, इसको पिसवाया और वीट बना लिया। अब आपके पास वीट जो है वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, गेहूँ से ज़्यादा इसका दाम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है तो इसमें एक टैक्स लिया जाएगा, वैट लिया जाता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाता था। फिर इस वीट को आपने ब्रेड बना लिया, तो आपने अगेन इसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, उसके ऊपर कुछ टैक्स लिया जाएगा अगेन, तो वो भी वैट हो गया। फिर ब्रेड से आपने सैंडविच बना लिया, तो सैंडविच का दाम और महंगा हो गया, उस पर भी कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, उस पर भी आपने टैक्स ले लिया। तो ये ऑल स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लिया जाता था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो जाता था ये, इसीलिए GST लाया गया। नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैड नॉट इम्प्लीमेंटेड वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडिया अप टू दिसंबर 2005, सात ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने वैट को नहीं इम्प्लीमेंट किया 2005 तक। वैल्यू एडेड टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। कौन से स्टेट ने सबसे पहले वैट को अपने स्टेट में अप्लाई किया था, ये था हरियाणा। हरियाणा वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स जो होता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में कब, 1957 में। वेल्थ टैक्स जो है पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में सबसे किसके रिकमेंडेशन पे, सर्विस टैक्स जो है राजा, जस्टिस राजा जे चिलैया कमेटी, राजा जे चिलैया कमेटी के रिकमेंडेशन पे सर्विस टैक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग सर्विस टैक्स, इट इज़ एक ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 1994-1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सर्विस टैक्स जो है इंडिया में, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1994-1995 में से इंट्रोड्यूस किया गया था।
यूनियन बजट 2015-16 की माने तो इट हैड इंक्रीज्ड सर्विस टैक्स फ्रॉम 12% टू 14%। यूनियन टैक्स 2015-16 की देखें तो सर्विस टैक्स इंक्रीज हुआ है 12% से 14%। द नंबर ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स 2009-10 में देखें तो 110 सर्विस ऐसी हैं जिन पे सर्विस टैक्स लिया जाता है 2009-10 का डाटा के हिसाब से। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जेम्स विल्सन के द्वारा इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। अमंग द इनकम टैक्स ट्रेड टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी दिस टैक्स डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी टू बायर। यह है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब लिया जाएगा ना आपसे तो आपकी जो है डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, यानी कि पास मनी सप्लाई जो है आपके पास कम हो जाएगा। आपके पास पैसा कम हो जाएगा तो आप डिमांड कम कर दोगे चीज़ों का, तो जो है इन्फ्लेशन ये इंक्रीज नहीं करेगा, प्राइसेस जो है कॉमोडिटी के इंक्रीज नहीं होंगे। द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एमंग इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी ऑक्ट्राय एंड सेल्स टैक्स विच इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि हमसे डायरेक्टली सरकार लेती है टैक्स, डायरेक्टली देती है और पेन भी हमें ही होता है इनकम टैक्स। तो अगला सवाल कहता है कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है, एक्साइज ड्यूटी किस तरीके का टैक्स है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली लिया जाता है, आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता एक्साइज ड्यूटी। आप मान लो कि कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एमंग द सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स कौन से इसमें से डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स इसमें से वेल्थ टैक्स है, ठीक है। वेल्थ टैक्स जो है इसमें से डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अलावा कुछ और टैक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है। कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स है? वेल्थ टैक्स हम जानते हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है, तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एमंग द इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स सेल्स टैक्स एंड वेल्थ टैक्स कौन सा इसमें से नहीं है डायरेक्ट टैक्स? नहीं है डायरेक्ट टैक्स, वो है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉइंट्स, अगेन आपको देखना है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसमें से कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स है? तो ये सभी डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि आप जब कोई सिक्योरिटी खरीदते हो डीमैट अकाउंट में और उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो टैक्स लगता है कैपिटल मार्केट में उसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कहते हैं। इंटरेस्ट टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग ए टूथपेस्ट, ये किस तरीके का टैक्स है और कौन इम्पोज करता है, कौन कलेक्ट करता है? तो सेल्स टैक्स जब आप खरीदते हो टूथपेस्ट तो उसे इम्पोज किया जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एमंग द फ्रिंज टैक्स मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैपिटल गेंस टैक्स टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द इनकम फ्रॉम द कॉरपोरेट सेक्टर। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये आपके प्रॉपर्टी पे लिया जाता है, जब प्रॉपर्टी आप बेचते हो ज़्यादा दिन तक होल्ड करके तो उस पर जो गेन टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। दिस टैक्स इज नॉट लेविड बाई यूनियन गवर्नमेंट। इंटरटेनमेंट टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है। इनकम टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती है। एमंग द इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट एक्साइज ड्यूटी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स इट इज़ नॉट लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉरपोरेशन टैक्स नहीं लिया जाता है। एमंग इंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें, स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात करें, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स की बात करें, तो कॉरपोरेशन टैक्स जो है लेवी नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एमंग द लैंड रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन फी कस्टम ड्यूटी एंड कॉमर्शियल टैक्स इट डज नॉट मेनली फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इज इम्पोज बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर के ऊपर, यानी दारू के ऊपर जो इम्पोज की जाती है एक्साइज ड्यूटी, वो कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं। इन दिस ईयर्स बजट द कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स CTT जिसे कहते हैं, इन दिस ईयर्स
बजट द कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ इंडिया, ये 2013-14 में लगाया गया था। इन दिस ईयर्स बजट कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है कॉमोडिटी के ऊपर जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे कि आपने कोई भी आइटम कॉमोडिटी का ख़रीदा, सिल्वर गोल्ड कुछ भी ख़रीदा, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है। ये 2013-14 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। दीज कम्स अंडर द डिफिनीशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR। दीज कम्स अंडर द डिफिनीशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड एंड फॉरेक्स गेन। दिस सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद द रेफरेंस टू इंडिया। दिस सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। दिस इज ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटांशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। By this department, the E-Sahyog project was launched in October 2015. By this department, the E-Sahyog project was launched in October 2015. आंसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट प्रेजेंट एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट जो कि 1972 में आई थी। ये मैक्सिमम है 20 लाख। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट प्रेजेंट एज पर द पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट जो कि 1972 में आई थी 20 लाख। द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम 1997 वाला, दिस वॉज लॉन्च्ड बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 July 1997। द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम 1997 में आया था, ये 1 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लागू किया गया था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब आप अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, ही अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2016 दैट अंडर द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 द अमाउंट ऑफ डिक्लेयर्ड ब्लैक मनी टिल सितंबर 30, 2016 वाज अबाउट ₹65,250 करोड़ रुपये था। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में बोला गया था कि भाई अरुण जेटली साहब ने बोला था कि लोग जो ब्लैक मनी रखे हैं वो डिक्लेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे जो है उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कहा गया था। और इसके थ्रू इतना सारा पैसा जो है लाया गया था मार्केट में। जनरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड इन इंडिया। किस लिए अपॉइंट किया जाता है? फाइनेंस कमीशन को 280 आर्टिकल के प्रावधानों के तहत इसे अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ताकि डिटरमाइन किया जा सके कैसे जो टोटल नेट प्रोसीड्स हैं टैक्सेस के कलेक्शन वगैरह के, वो कैसे शेयर किए जाएंगे स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में। डिटरमाइन द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ऑफ यूनियन। अगला सवाल देखिए, अंडर दिस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन। फाइनेंस कमीशन का गठन होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का गठन होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 280। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंसेस का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया क्या करता है? ये मेथडोलॉजी बताता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रेवेन्यू को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। The primary duty of Finance Commission of India is again same to give the recommendation on distribution of tax revenue between union or states के बीच में कैसे पैसा distribute होगा जो income आया है tax के through। Non-plan grants to states by central government are made on the recommendation of Finance Commission। Finance Commission 280 article अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है President के द्वारा। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। तो देखिए, प्लानिंग कमीशन जो अर्स्ट वाइल उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, अब नीति आयोग हो चुका है, इनके बीच में स्टेटमेंट क्या सही है? रिकमेंडेशन गिवन बाई बोथ आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन देती है कि भाई इतना पैसा देना चाहिए इसको, वो और प्लानिंग कमीशन का भी जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को, वो बाइंडिंग नहीं है। सरकार चाहे तो माने, सरकार ना चाहे तो ना माने। This tax is not shared by central government with UP government under finance commission award। Answer होगा agriculture income tax।
इसको शेयर नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के साथ। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विल कवर द पीरियड ऑफ 2020-2021 एंड के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक ये चलेगा, 5 साल के लिए कवर करेगा ये। द शेयर ऑफ बिहार इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज 10.06%। बिहार को कितना पैसा जाएगा? 10.06% जाएगा, जो डिविजिबल पूल है सेंट्रल टैक्सेस का, उसमें से स्टेट को जाएगा बिहार को 10.6%। वही बात सेम अगेन क्वेश्चन है, 10.06% जाएगा। द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंक्रीज ऑफ द शेयर ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस बिटवीन सेंटर टू स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 42%। ठीक है, कि जितना भी सरकार के पास पैसा आएगा उसमें से 42% पैसा जो होगा नेट यूनियन टैक्सेस नेट प्रोसीड में से 42% पैसा स्टेट्स के बीच में बंट जाना चाहिए। इसको फाइनेंस कमीशन 15th वाली ने 1% से कम किया और इसे बोला गया कि 41% जाना चाहिए। सो दिस हैज़ डिक्रीज दिस फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ डिक्रीज्ड द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 42% टू 41%, मात्र 1% कम किया, ज़्यादा नहीं। चेयरमैन कौन थे 15th फाइनेंस कमीशन के? इसके चेयरमैन थे एन के सिंह साहब, अभी भी हैं ये तो, फाइनेंस कमीशन काम ही कर रही है। 2021 से 2026 तक के लिए बनाई गई है। एमंग द अशोक कुमार लाहिरी, सुदीप्तो मुंदले, रमेश चंद एंड अजय नारायण झा, ही वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के मेन जो चेयरमैन हैं वो एन के सिंह हैं, इनके अलावा 3 मेंबर और हैं, अशोक कुमार लाहिरी हैं इसमें, रमेश चंद हैं, अजय नारायण झा हैं, इसमें सुदीप्तो मुंदले नहीं हैं। द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी साहब। ठीक है, चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन वॉज डॉक्टर वाई वी रेड्डी। वही बात करें चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर विजय एल केलकर। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, 15th के प्रेजेंट वाले के एन के सिंह साहब, 14th के थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी साहब, 13th के कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर साहब। द पीरियड ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाई 13th फाइनेंस कमीशन वॉज 2010 से 15 के लिए था, फिर 15 से 20 के लिए था कौन सा? 14th फाइनेंस कमीशन। 21 से लेकर 26 तक के लिए है 15th फाइनेंस कमीशन। दिस परसेंटेज ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू हैड बीन रिकमेंडेड फॉर एलोकेशन टू द स्टेट्स बाई 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन ने 32% बोला था, जिसको बढ़ा के 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% बोला था कि 42% स्टेट्स को पैसा जाना चाहिए, नेट जो सेंट्रल टैक्स से रेवेन्यू है उसका 42% पैसा जाना चाहिए स्टेट्स को, लेकिन 13th वाले ने कितना बोला था? 32%। 13th फाइनेंस कमीशन हैड प्रपोज्ड दैट द कंबाइंड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स बाई द ईयर 2014-15 कितना होना चाहिए? 68%। 68% का रिकमेंडेशन किया था। दिस हैज़ बीन असाइंड द हाइएस्ट वेटेज बाई 13th, 14th, and 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाई रिकमेंडिंग डिवोल्यूशन ऑफ यूनियन टैक्सेस एमंग स्टेट्स। तो इन्होंने वो जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया था वो फिजिकल कैपेसिटी और इनकम डिस्टेंस को वेटेज दिया था, कि किस स्टेट में कितना इनकम डिस्टेंस है, कौन सा देश गरीब, कौन सा स्टेट ज़्यादा गरीब है इनकम डिस्टेंस के मामले में। देखा जाए कि मान लो केरल है, वहाँ पे एक बंदा जो है साल में 1.5 लाख रुपये कमाता है। एक स्टेट है बिहार, वहाँ पे 90,000 ही कमाता है, मान लो 70,000 ही कमाता है साल में, तो इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसके इनकम कम होगा, मतलब डिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिहार को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए इस तरीके से। दीज वेयर एमंग द नोटिसेबल फीचर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन ने डिजाइन किया था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, ठीक है, इसी के दौरान ये टैक्स जो नया रिजाइन इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड ए कंपनसेशन पैकेज लिंक्ड टू अधेरेंस टू द प्रपोज डिजाइन, कि भाई स्टेट्स को लॉस ना हो, तो जो स्टेट को लॉस होगा उसको कंपनसेशन किया जाए। डिवोल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज ग्रांट, ये भी इसका मेन फीचर था। 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? केसी पंत थे। 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? केसी पंत साहब थे। द चेयरमैन ऑफ 1st फाइनेंस कमीशन, ये कई बार पूछता है,
फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे के सी नियोगी। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन, 9th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NKP सालवे। 10वें के थे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन KC पंत। 11वें के थे AM खुसरो। 12वें के थे C रंगराजन साहब। 13वें के केलकर साहब, विजय केलकर साहब। 14वें के YV रेड्डी साहब। और 15वें के हैं NK सिंह साहब। द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन वॉज, 12वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे C रंगराजन साहब। द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन वॉज C रंगराजन साहब। द एक्सटेंट ऑफ मनी ट्रांसफर टू द स्टेट्स आउट ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ टैक्स कलेक्शन अकॉर्डिंग टू 12th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन फिक्स्ड एट 30.5%। 13th ने बोला कि 32% होना चाहिए, 14th ने कर दिया इसको 42%, और 15th ने इसको 1% कम किया, 41% कर दिया। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ सेंटर एंड स्टेट बाय द ईयर 2009-10 कितना होना चाहिए था, 0%। Eleventh Finance Commission has recommended that in the tax revenue collected by union, the shareable part of states will be 29.5%. 11th में और कम था, 13th में 1% बढ़ा, फिर 14th में तो मतलब 42% ही हो गया था। According to 10th Finance Commission, the share of resources to be transferred to states from divisible pool will be 29%. कितना था, 29%। सबसे बड़ा जंप मारा गया था 14वीं फाइनेंस कमीशन में, जब डॉक्टर YV रेड्डी साहब ने इसको 32-42% का रिकमेंड किया था। अब देखिए करेक्टली मैच आपको लिस्ट देखना है, कमिटीज और चेयर्ड बाय। सो डिस इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटी बनाई थी, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे हमारे C रंगराजन साहब, फॉर्मर RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसा एंटरप्राइज होता है जिसमें सरकार का स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, सरकार टेक्निकली इसकी मालिक होती है, 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसके पास रहता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए बनाया गया था ओंकार गोस्वामी का एक चेयरमैन कमेटी बनाया गया था, जिसके चेयरमैन वही थे ओंकार स्वामी। टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे राजा जे चिलैया साहब। रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक कमेटी बनाई गई थी RN मल्होत्रा साहब की, रिफॉर्म करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में कमेटी बनाई गई थी, RN मल्होत्रा साहब उसके चेयरमैन थे। अब देखिए रिकमेंडेशन जो केलकर टास्क फोर्स ने किससे रिलेटेड था, तो जो केलकर विजय केलकर साहब की कमेटी थी टैक्सेस के ऊपर इनका जो है बनाया गया था, रिकमेंड करे कि कितना टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे होना चाहिए। तो द कमिटी विच हैज़ रिकमेंडेड एवोल्यूशन ऑफ टैक्स रिबेट्स अंडर द सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया, ये केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो सेक्शन 88 है जिसमें रिबेट दिया जाता है लोगों को, वो रिबेट एबोलिश होना चाहिए। एमंग द केलकर चिलैया नरसिम्हन एंड बगूल कमेटी द लेटेस्ट कमेटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म इज केलकर कमेटी। करेक्ट स्टेटमेंट अगेन बताना है आपको, तो ये सभी करेक्ट ही हैं। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो है इट हैज़ बिन एमलगमेटेड, मतलब मिला दिया गया इसको विद द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ। द सेकेंड रिपोर्ट ऑफ केलकर कमेटी डीलिंग विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफर्ड टू ऑप्शंस रिगार्डिंग द डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। टैक्स रिफॉर्म जो भारत में हुआ है 1990s में, इट हैड बीन अंडरटेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाई RJ चिलैया कमेटी जो था, इट वॉज रिलेटेड टू रिफॉर्म इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। चिलैया कमेटी हो गया, केलकर कमेटी तो लेटेस्ट है ही टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। अगला सवाल कहता है कि एमंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंदिरा विकास पत्र नेशनल सेविंग स्कीम इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल। इंदिरा विकास पत्र जो है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है टैक्स के टर्म पे जो है रिलीफ नहीं मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी मिलता है, नेशनल सेविंग स्कीम में भी मिलता है, इंदिरा विकास पत्र में आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलता है। इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी इनकम टैक्स रिबेट किसान विकास पत्र अगर आप खरीदते हो तो आपको कोई भी उसमें रिबेट नहीं मिलता है, जबकि आप अगर नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करो, PPF में इन्वेस्ट करो,
तो आपको डेफिनेटली रिबेट मिलता है। अगला सवाल देखेंगे, ए पैन हैज इनिशियली ए फाइव अल्फाबेट सीरीज, जैसे AFZPK एंड उसके बाद 7190K ऐसे करके आता है, वेयर पी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। ये पी जो होता है इंडिविजुअल का नाम होता है, इंडिविजुअल नाम इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। पी जो होता है ये किसी इंडिविजुअल का नाम होगा, जो भी नाम हो उसका पी से होगा, पवन हो जो भी हो। पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर इसे नहीं यूज कर सकते, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर जरूर इसे यूज किया जा सकता है। इन द ईयर 2001 द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ए 5-year एक्साइज ड्यूटी होलीडे फॉर इंडस्ट्रीज इन अर्थक्वेक रिवेज्ड कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अर्थक्वेक बहुत ज़बरदस्त आया था 2001 में कच्छ में, भुज में, ठीक है। इसके वजह से रिबेट दिया गया था, 5 साल का एक्साइज ड्यूटी का होलीडे दिया गया था इंडस्ट्रियों के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। द यूनियन बजट 2000 वाला, इट अवार्डेड ए टैक्स होलीडे फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। 2000 में ये अवार्ड किया गया था 10 साल के लिए, कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है टैक्स नहीं लगेगा। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायत, पंचायत के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। पंचायत के पास पैसा आ सकता है लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाई फाइनेंस कमीशन के थ्रू, पंचायत के पास ऑफकोर्स पैसा आ सकता है असिस्टेंस बाई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, पंचायत के पास पैसा आ सकता है एलोकेशन फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से भी। इसके अलावा नाबार्ड से पैसा आ सकता है पंचायत के पास, एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पैसा देती है स्टेट की फाइनेंस कमीशन, वहाँ से भी पैसा आता है। तो इन सभी में जो है नाबार्ड को छोड़ के बाकी सभी से आता है, नाबार्ड से नहीं आता पंचायत को, बाकी सभी से आता है। दिस टैक्स इज लेवीड बाई ग्राम पंचायत, जो लोकल मेले लगते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो पंचायत जो है लेवी करता है, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स सही आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय गवर्नमेंट, कटिंग द टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एबोलिशिंग द सब्सिडीज, ये किस केस में ये सब होता है। कटिंग द टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एबोलिशिंग द सब्सिडीज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन विच ऑफ द एबोव एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस पैकेज। तो ये एक और दो, टैक्स को कट करना है ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा रह सके, लोग सामान खरीद कर सके, फिजिकल स्टिमुलस आएगा तभी तो ये, और सरकार जो है ज़्यादा पैसा खर्च करे, ये दोनों है, तीसरा नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सेस। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक छोटा सा चार्ज होता है, वो सेस कहते हैं। दिस पेयर ऑफ करेक्टली मैच, कौन सा पेयर है, इम्पोर्ट कोटा जो है फिजिकल कंट्रोल होता है इसमें, करेक्टली मैच लिस्ट आपको बताना है। ओपन जनरल लाइसेंस एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड है, ट्राइसम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक बेस होता है, कैश रिजर्व रेशियो डेप्ट कंट्रोल करता है, CRR अगर सरकार बढ़ा दे, RBI इंक्रीज करती है तो बैंक जो है ज़्यादा लोन नहीं ले पाती हैं, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रिजर्व रेशियो होता है जो कि अमाउंट बैंकों को जो है जमा करना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में। तो अगर इसको बढ़ाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और बैंकों का जो डेप्ट गिविन का जो देने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, तो डेप्ट कंट्रोल इससे होता है। अगला टॉपिक होगा प्लानिंग, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।